अरे राजू जाम बा, तू 3 दिन हो गया जाम बा। तुम्हारे लिए तो आम तैयार हो रहा है। जाम में ना नीचे से फरे लपक लपक तोर तोर अचार डारे काम है आए दू पेड़ बा हो बाला मास्टर बने के आठ जाए पहले मास्टर वे तोर ले जाई है लड़की वे टिकोरे तोर के लेके चला जाई है आई बड़ी बड़ी जल्दी टहर के लौट गया सब माही माही मम्मी चलते होता है बाबा देखा माही मम्मी चलते माही मम्मी आफत कर देती बैठे ना देती देख कर शिकायत की मारा थी 10 बजे बैठ जाना कहे जल्दी चले साफे गुजर एक दिन बा माही मम्मी घरे कही जाएगी अब ना नहीं आज रहना उधर से दूध लेके आए ना चिपिर चिपिर हुआ था हम कहे रोड बाई रोड जाएंगे रोड बाई रोड आईबो के जंगल हो गर्मी लग रही है सांप गोजर घूमते रहना है बरसात में एक तो इनका भला सोचा और ऊपर तक ना भलाई का माइक माइक मम्मी से पूछते कौन से देश की है विदेश है विदेश की है लोग भाई ये भी सुन ले सब विदेश के है इनको इसीलिए ज्यादा गर्मी लगती है देश में आके उधर रहती हैं समुन्द्र के किनारे रहती हैं उधर ठंडक रहती है अब यहाँ कहाँ मिले यहाँ तो तालाबों ने देखा ही मिले थी इधर रामगढ़ ताले की पहले दीदी नमस्ते। तो भाई जब जागो तभी सवेरा यहाँ पे मैंने मेथी वाला पानी जो है ना इसको भिगोया था रात में इसको छान लिया। देखिए हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था मतलब 95-100 kg या फिर उससे ऊपर जितना वजन होता है ना उसको कंट्रोल में करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है। जिसका वजन होता है 70-65 वो लोग अपना फटाक से 55-50 तक आ जाते हैं लेकिन अब 95 से कितने भी पतले हो जाओ ना तो वो थोड़े बहुत आप मोटे लगते ही लगते हो इसलिए लगता है आप लोगों को। बाकी आप लोगों को वजन कई बार मैंने शेयर किया 72 kg है और मोटापा इतने तरीके से होता है ना कि क्या ही बताएं। किसी किसी का हाथ इतना मोटा हो जाता है पेट सही रहता है किसी किसी का पेट इतना ज़्यादा निकल जाता है हाथ पैर पतले पतले रहते हैं ना तो अजीब तरीके से मोटापे भी कहाँ पे मोटा हो जाए इंसान कुछ कह नहीं सकते हम। तो बस गोलू नहा चुके हैं गौरी नहाने गई हैं मैं ही बची थी क्योंकि मैं घर के काम समेट रही थी झाड़ू पोछा और जो है सबको चाय वाय बना के दिया खुद एक्सरसाइज किया। हाँ एक्सरसाइज की वीडियो नहीं शेयर करते जिस दिन टी शर्ट वगैरह पहने रहते हैं ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगते हैं लेकिन हाँ एक्सरसाइज रोज करते हैं डेली बेसिस पे। संडे वनडे को काफी स्किप भले हो जाती है और यहाँ पे सूजी लिया है थोड़ा सा इसमें दही डाल के इसका घोल तैयार करके रख देंगे सूजी फूल जाएगी। अभी इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया सब्जियाँ क्योंकि सब्जियाँ चॉप करने में टाइम लगेगा अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे स्नान को जाना था तो मैंने सोचा चलो सूजी भिगो देते हैं सब्जियाँ तो बाद में भी कटिंग चॉपिंग होती रहेंगी स्नान के बाद भी लेकिन सूजी फूलने में थोड़ा सा अच्छे से इसको टाइम लगेगा इसलिए मैंने सूजी में दही डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने के लिए रख दिया है और ये अच्छे से फूल जाएंगे जब तक आप स्नान को आएंगे। और गौरी ने कहा कि लाओ सब्जियाँ मैं कटिंग चॉपिंग कर देती हूँ मैंने कहा चलो ठीक है देखो तुमसे होता है कि नहीं होता है अच्छा इतनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाई। हम सोचते हैं बच्चे हैं नहीं कर पाएंगे लेकिन बच्चे इतना अच्छा काम कर जाते हैं कभी कभी मतलब काबिले तारीफ होती है। और गौरी आजकल जब से गाँव से लौटी है थोड़े बहुत काम इसको काफ़ी सारा बहुत सारा आ चुका है लेकिन ये करती नहीं तो बस जब तक मैं स्नान से आई तब तक गौरी ने सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर दी थी। सुबह के बजे 9:30 और बुद्धदेव जी ऑफिस गए हैं बस मट्ठा पी के। आज मैंने तैयारी की है अप्पे बनाने की मैंने कुछ तैयारी नहीं की है आज कह सकते हैं गौरी ने तैयारी की है। मैंने बस ये बोला सूजी कर दिया है और ये सारी तैयारी गौरी ने की है कटिंग चॉपिंग का काम आज गौरी ने। मैं तो समझती थी गौरी की बस ऐसे ही है दिन भर बोलती है काम कुछ नहीं करती है लेकिन आज हमने सोच रखा था कि चलो इसके ऊपर छोड़ देते हैं देखते हैं करती है तो करती है नहीं जो कर पाएगी मैं करूंगी। हालांकि पूरी
शॉपिंग बढ़िया, मुझसे ज्यादा बढ़िया काम करी है गौरी, मानना पड़ेगा। तो कम से कम जब गौरी का मन होगा तभी गौरी काम करेगी, वरना नहीं करेगी। तो मैं क्या करूँगी, आज मुझे कोई काम था नहीं, सुबह चाय हमने बनाई थी, सबको चाय पिलाया, और जिसका जो मन हो लड्डू मीठा ये सारी चीजें और मट्ठा सट्ठा जिसका जो मन है वो खाएंगे भी सुबह सुबह। हाँ तो लड्डू खाने प्रसाद खाने के चक्कर में हो ना, सबके लिए प्रसाद रखना, हम भी खाएंगे आज प्रसाद। तुम ले लो, एक ले लो गोलुक दे दो, और एक एक गुड़ वाला भी प्रसाद सबको दे देना, और मिश्री वाला भी प्रसाद दे देना सबको बांट के, बाकी पापा के लिए मेरे लिए रख देना। तो बस दिया बुझने का इंतजार रहता है प्रसाद खाने के चक्कर में, बच्चों का जब घर पे रहते, नहीं तो एक दो बजे आते हैं तभी खाते हैं। तो बस आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा, वैसे मैंने प्लान बनाया था अप्पे का, आज बच्चों के टिफिन के लिए अप्पे देंगे, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तभी प्लान बनेगा अप्पे का। और दोपहर में बनेगी खिचड़ी, बहुत दिन हो गए थे मेरे खिचड़ी खाए का, मतलब मन हो रहा था खिचड़ी खाऊंगी, पर परिवार की वजह से खिचड़ी बन नहीं रही थी। तो आज नाश्ता बनेगा, उसके बाद दोपहर में हल्का खिचड़ी बनेगा। आज है दिन बुधवार, बृहस्पतिवार होता तो खिचड़ी नहीं बनाती, बुधवार है तो आज मैं मूंग डाल के, हरा वाला मूंग डाल के खिचड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे दाल चावल, ये देखिए मूंग का दाल, सॉरी खड़ी मूंग, और इसमें चावल हमने मिक्स करके रखा है। आज बिल्कुल पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी, मेरे यहाँ पतली खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती है, मुझे पसंद आती है पतली खिचड़ी, उसके साथ थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पापड़, थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा चोखा हो जाए, लेकिन मैं इतना कुछ नहीं ज़्यादा करूँगी तामझाम, बस घी डाल के दही डाल के, और उसके साथ पापड़ मैंने निकाला है, पापड़ को भूनूंगी। तो बस दोपहर के टाइम ये सोच रखा है, और सुबह के टाइम नाश्ते में ये। तो मैं सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वास्ता बना के दे देती हूँ। मेरे बच्चे सुबह से उठ के कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, इतना परेशान हो जाती हूँ ना कि क्या बताऊँ। तो सबसे पहले लीजिए आप लोग प्रसाद खा लीजिए, ये प्रसाद आप लोग लीजिए, ये गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं गणपति बप्पा को, लड्डू का भी प्रसाद चढ़ा देते हैं अगर घर में अवेलेबल होता है तो, जो भी अवेलेबल होता है, वैसे गुड़ कुछ ना रहे घर में गुड़ जरूर होता है। तो मैं साफ अलग से गुड़ डिब्बे में धुल करके साफ करके पूजा के लिए अलग से मैंने गुड़ निकाला है, ताकि उस डिब्बे से खाने के लिए नहीं है और सिर्फ चढ़ाने के लिए करूं, क्योंकि देखिए घर में बच्चे होते हैं तो कभी जूठ हाथ कभी मीठ हाथ लगा देते हैं। तो मैं खाने के लिए अलग गुड़ रखती हूं, और जो प्रसाद के लिए चढ़ाने का होता है मैं अलग रखती हूं। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी थी, सबसे पहले इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है दो चुटकी, मतलब एक चुटकी डाला था मैंने, एक चुटकी और भी डाला, आप इनो भी ऐड कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है, दोनों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद जो हमने सब्जियां गौरी ने चॉप करके रखी थी, प्याज लहसुन हरी मिर्ची और गाजर चुकंदर, सबको चॉपर से चॉप कर दिया था गौरी ने, और उसको इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही बढ़िया काम आज गौरी ने किया था ना, हेल्प हो गई कितनी ज़्यादा आसानी से, मतलब नहीं तो आधी में आधे घंटे तो कम से कम सब्जियों की कटिंग चॉपिंग छीलने धुलने में लग जाते हैं। तो इन सब्जियों को डाल के अभी थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत थिक लग रहा था, इसको थोड़ा सा पतला बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बस घोल की तरह इसको बनाना है। अच्छा, आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप पैन में बना सकते हैं, दूसरा आप भाप में बना सकते हैं। भाप वाली रेसिपी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो और भी ज़्यादा हेल्दी होती है वेट लॉस के लिए। जैसे सूजी होता है ना, सूजी बहुत ही ज़्यादा देर तक पेट को भरा रखता है, और इसमें मैंने धनिया की पत्ती नहीं ऐड करी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देती, पालक के पत्ते ऐड कर सकते हैं आप इसमें, और थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड कर दिया, साबुत जीरा। बस घोल तैयार हो चुका है, और फटाफट से अप्पे पैन चढ़ाइए, एक एक बूंद सरसों का तेल डालिए। अच्छा, कई बार हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि दी रिफाइंड ऑयल नहीं खाते नुकसान करता है, तो रिफाइंड ही होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, लेकिन अब रिफाइंड कहने की आदत है, तो बस वो मुँह से रिफाइंड ही निकलता है। तो बस मैं एक एक दाने, दो दो तीन तीन चार चार दाने सरसों के डाले, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये सरसों के दाने जब पक जाते हैं ना, थोड़े से सौंधे सौंधे लगते हैं जब हम खाते हैं, अच्छे लगते हैं। इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकती हैं, या फिर डायरेक्ट आप सरसों वरसों डाल के जो हमने बनाया था सूजी का घोल, उसमें आप तड़का लगा दें तो वो और भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो बस सूजी का घोल जो हमने बनाया था, सारे अप्पे में भर देना है, फिल कर देना है, और इसको ढक देना है, जब 5 से 7 मिनट बाद इसको पलट देना है, दूसरी तरफ से भी सेक लेना है, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं सूजी के अप्पे, और खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है, हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये ऑयल में, बहुत ही कम ऑयल में बने होते हैं। तो हेल्दी आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, बहुत सारी सब्जियां ऐड करके बनाइएगा, बीन्स गाजर चुकंदर सारी सब्जियां ऐड कर दीजिएगा जो भी अवेलेबल है। बरसात के सीज़न में इतनी सब्जियाँ अवेलेबल होती नहीं है, सबसे ज़्यादा सब्जियाँ ठंड के समय में मिलती हैं। तो आप आ जाइए आप लोग भी अप्पे खाने, मैंने 4 अप्पे लिए थे, 4 अप्पे, और उसके पहले मैंने 1 अप्पे खाए थे, शायद किसी ने खिलाया था मुझे, शायद पद देव जी ने खिलाया था या फिर बच्चों ने खिलाया था, किसी ने खिलाया था।
और बहुत ही बढ़िया बने थे, मतलब स्वादिष्ट। हरी चटनी मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ आज सब लोगों ने केचप से खाया तो मैंने भी सोचा कि चलो अपने लिए खुद के लिए सिर्फ हरी चटनी बनाए। वैसे अगर हरी चटनी बनाई होती तो अच्छी होती, क्योंकि मैंने बनाई थी खिचड़ी, खिचड़ी से भी हरी चटनी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि पुदीना उदीना बरसात की वजह से गल चुका है। धनिया की पत्ती इतनी ज़्यादा बरसात में अवेलेबल होती नहीं है, बस ये होता है सब्जी दाल में डाल दो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर कुकर चढ़ाया खिचड़ी बनाने के लिए, एक जो मैंने सूट नहीं किया, जो ऑयल डालते हैं ये सारे तड़का डालते हैं, तो वो तो स्किप हो चुका। और उसके बाद बस ये प्याज को अच्छे से भून लेने, इसमें ढेर सारा करी पत्ता, मस्टर्ड सीड और जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने तड़के में डाला, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये सब डाला है। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर ऐड करने के बाद उसको भी भून लिया है। इसमें हल्दी मसाला, एक एक चम्मच हल्दी मसाला ऐड करेंगे और एक चम्मच सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग ऐड करेंगे, खिचड़ी है ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और उसके बाद दाल और चावल जो मैंने धुल करके रखा था उसको ऐड कर दिया। मैंने सोचा था आज पतली पतली खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन कितनी भी पतली बनाओ तो वो पता नहीं कैसे गाढ़ी हो जाती है। आदत होती है ना क्वांटिटी दाल चावल की लेने की, ये सोचते हैं कहीं कम ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा और करते करते थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खिचड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब अपना खुद का बनाने हो तो अंदाज होता है, एक मुट्ठी दाल चावल लो और खिचड़ी तैयार। बाकी सब लोगों के लिए होता है कि कहीं कम ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, खिचड़ी है तो एक कम कम करते करते ज़्यादा हो जाती है। बस मैं सब कुछ भून ऊन के पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, बस इसको एक सीटी लगाना है, एक सीटी में खिचड़ी पक जाएगी। और ये वीडियो क्लिप गौरी ने शूट की थी, बर्तन लगा रही थी, मैंने सोचा चलो ऐड कर देती हूँ वरना गौरी बिटिया नाराज़ हो जाएगी। वैसे कितनी बढ़िया वीडियो शूट की है, और मैं ना खूब हंस रही थी गौरी की इस काम पर, गौरी बोल भी रही थी, आवाज़ उसको मैंने म्यूट कर दिया है। और उसके बाद गौरी को जब फुर्सत मिली तो ये कार्टून बनाई, कितनी अच्छी बनाती है। और ये बाल वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। ये भी बनाई थी, ये भी बाल इसकी बहुत सुंदर बनाई थी, झुमके बहुत सुंदर बनाई थी, कपड़े भी बहुत सुंदर, बस इसका फेस थोड़ा सा टेढ़ा कर दी। और ये इसको कलर भरी थी, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये देखो कलरिंग कर रही है अभी बैठ के, जितना ये सारा सामान होता है ना गौरी, देखिए जिसको ईयरबड जो कान साफ करने वाला था उससे ये अपना पूरा कलर कर डालती है। दोपहर के टाइम आ जाइए आप लोग भी, खिचड़ी पापड़ दही खा लीजिए, सिंपल खिचड़ी दही सिंपल, सिंपल पापड़ आज हमने बनाया था। अच्छा वैसे गर्मी से आज तो राहत थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं, बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था। और पापड़ में इतनी काली मिर्च पड़ी है ना कि हिचकियाँ आ रही थी, तो बस थोड़ा सा खिचड़ी खाया, थोड़ा सा दही खाया, भूख तो नहीं थी लेकिन मैंने खिचड़ी बनाया था तो खाना ही खाना था। और उसके बाद शाम के टाइम टहलने निकल गए, मैंने सोचा चलो टहल के आते हैं, आज बड़ी दूर दूर तक टहलने चले गए थे, बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखी मैंने, बहुत ही सुंदर भी लगा टहल वहल के, अच्छा लगता है, रोज़ वही एक ही जगह जाते हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अलग जगह जाते हैं। अब होती हैं सखी सहेली जिस रास्ते से जाती हैं पीछे पीछे हम भी उसी रास्ते से चल देते हैं। अपना अकेले का होता तो मैं सीधे रास्ता पकड़ के जाती हूँ, सीधे रास्ते से आती हूँ, लेकिन जहाँ दो चार लोग रहें वहाँ कुछ ना कुछ तो खुरापात होती रहती है। इतना सुंदर लग रहा है, हरा भरा पूरा चारों तरफ, सावन में ना सारी चीज़ें हरी हरी आपको दिखेंगी, चाहे पेड़ हो पत्ते हों, बारिश की वजह से पूरी की पूरी हरियाली हो जाती है, घास फूस भी हरे लगने लगते हैं, सारा मौसम एकदम सुंदर सुहावना लगने लगता है। और बहुत ही अच्छा लगा, ये हमारी सहेली लोग हैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब क्या है ना कि बहुत कम लोग ही बचे हैं, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं या फिर कोई टहलने नहीं आता है। और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाया जाए, थोड़ा सा सुंदर, मतलब सुंदर क्या, बड़े ही गौरव की बात होती है ये सारी चीज़ें। और साथ में मैं शाम को दूध लेके आई, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। सब्ज़ी में आज बना रहे हैं नेनुआ चना, तो सबसे पहले तड़के में वही डाल दिया है, लहसुन हरी मिर्ची सरसों का तेल थोड़ा सा चना डाला है, और ये नेनुआ जो कट करके रखा था इसको डाला। एक दिन मैंने नेनुआ की मसालेदार सब्ज़ी बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, शायद शाम के टाइम ही बनाई थी क्योंकि शाम के टाइम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही बढ़िया बना था। आज मैंने सिंपल बना रही थी तो मैंने सोचा चलो इसमें भी चना ऐड करके बनाते हैं, क्या देखते हैं ये भी बढ़िया बनता है कि नहीं, ये भी बहुत बढ़िया बना था, सबको ये भी पसंद आया था। तो ये आप सादी मतलब चना ऐड कर दो जिस सब्ज़ी में, वही भी उसका स्वाद बढ़ जाता है, या इसलिए भी कह सकते हैं कि घर में चना सबको पसंद है, दो रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर चना डाल के जो नेनुआ बनाया था सबको बहुत पसंद आया। इसके दिन पहले दिन मैंने मसालेदार बनाई थी, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, दही वाला काम बचा था, दूध गर्म करके मैंने दही लगा दी है। कई दिनों से सबको खट्टी दही खानी थी तो मैंने सोचा चलो आज खट्टी दही बना देते हैं, तो थोड़ा सा जो जोरन होता है ना इसको हमने ज़्यादा डाला है क्वांटिटी में, 2-3 चम्मच भर के डाल दिया है, अच्छे से जोरन को कर दिया है मिक्स, बस इसको रख देंगे ढक करके, दही हमारी जम जाएगी। रात के दिन मैंने एक रोटी ली है, ढेर सारा खीरा, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी सब्ज़ी, ये होगा हमारा डिनर। सो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और सबका डिनर हो चुका है, सारे काम भी हो चुके हैं खत्म। आज की वीडियो का यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार जवा के खाते रहें,
और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सुराती। सारे काम हो चुके हैं ख़त्म और मैंने धनिया वाला पानी आज मैंने भिगोया है, यहाँ पे भिगोया है ये देखिए, और एक मैं बादाम भिगो के रखी। आज मैंने, कहते हैं वजन स्टक हो जाता है, मतलब रुक जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं गांव से आई थी 75-76 का, फिर से 72 पे आके रुक गया है। देखते हैं 72 से 70 कब आता है, और कोशिश करेंगे अगर मैंने रात का खाना फिर से एक बार छोड़ा ना तो 70 पे आके पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो ऐसे फेस बड़ा अजीब लगता है खुद को देखने में। और बाकी सारे लोग, इस बार मैं माघी से लेकर ससुराल तक गई थी ना, किसी ने मुझे पहचाना, किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पूछा खाती हो कि नहीं खाती हो, तुम्हें हो क्या गया है, तो बड़े सारे सवाल पूछे जा रहे थे मुझसे ऐसे। और मैं मन ही मन, मतलब मुझे ऐसे गुदगुदी सी लग रही थी कि चलो अच्छा है, कम से कम मेरी मेहनत रंग तो लाई। सभी मेरी दीदी उदी देख के एकदम से चौकन्नी हो गई, मुझे डबल बुलडोजर, मैंने कहा कि डबल बुलडोजर इतना पतला कैसे हो गया, मैंने कहा हो गया, बस कोशिश करी, कामयाबी मिल गई। आज का ब्लॉग एंड कर देते, नहीं तो बातें खत्म नहीं होंगी। बाय, गुड नाइट।